नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, बता दें कि हरीश रावत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने केंद्र सरकार के इस बजट को युवाओं को निराश करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि पहले तो केंद्र सरकार देश के युवाओं से माफी मांगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि वे देश के 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देगी, लेकिन सरकार के हर बजट के तहत यह बजट भी युवाओं को धोखा दे रहा है। हरीश रावत ने कहना है कि केंद्र सरकार की आखिरी साल यह बजट धन विहीन है, क्योंकि बार बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह बात कह रही थी कि अगले 3 साल का ध्यान रखा गया है, और इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के पास अपनी तमाम योजनाओं के लिए पैसा ही नहीं है। पूरा देश एक बार फिर केंद्र सरकार के बजट से निराश हुआ है। वही उत्तराखंड को भी इस बजट के घोर निराशा का मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि उत्तराखंड में पूरे देश को हवा और पानी देता है, लिहाजा राज्य के जंगल और जमीन के रूप में अपने योगदान के लिए अलग से बोनस मिला था, वे भी इस बजट में नदारद है। और यही तमाम आपदाओं से परेशानी उत्तराखंड के केंद्र सरकार की इस बजट को लेकर थका हुआ महसूस कर रहा है। बता दें कि कल बजट पेश हुआ है, जिसके बाद से तमाम विपक्षी नेता जो है इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री है और इन्होंने अपनी एक प्रतिक्रिया दी है। हरीश रावत ने इस बजट को लेकर भी बेरोजगार से लेकर तमाम चीजों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। इस बजट में अधिकांश मामलों में जिसमें वित्तीय प्राविधान निहित हैं और जिसको एक वादे के रूप में कहा गया, ये कहा गया है कि ये 3 वर्ष आगे के 3 वर्षों के लिए, इसका मतलब है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसमें सरकार के पास धन नहीं है और इसलिए लायबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। अधिकांश मामलों में वित्त मंत्री ने कहा है कि ये 3 वर्ष के कोष के लिए। भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव बुधवार को, बता दें कि 14 साल बाद अपने मायके उत्तरकाशी पहुंची। यहां उन्होंने काशी के विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए आम बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे स्वयं, बता दें कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव बुधवार को अपने मायके उत्तरकाशी पहुंची थी। इस दौरान बता दें कि बीजेपी के नेताओं ने उनका, कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया था, और साथ ही उन्होंने जो बजट पेश किया गया है उसको काफी अच्छे तरीके से, उन्होंने इस बजट को पेश करने की बात कही है। साथ ही बीजेपी को लेकर उन्होंने तमाम तरीके की बातें की है, सराहना करती भी नजर आई है। और बता दें कि अपर्णा यादव जो है 14 साल बाद अपनी मायके उत्तरकाशी पहुंची थी, उनका तमाम कार्यकर्ताओं ने काफी जोरदार तरीके से स्वागत किया। यहाँ पे करीबन 14 वर्षों के बाद आ रही हूँ। हालांकि देहरादून, हरिद्वार और बद्रीनाथ जी का दर्शन मैं बीच बीच में करती रही, पर अपने पैतृक गांव में 14 साल के बाद आ रही हूँ। और आज मैं अपनी दादी से और अन्य जो है, जो मेरे सारे रिलेशन्स में है, पूरा परिवार इकट्ठा है, और ये बहुत ही भव्य और दिव्य पाठ है भगवान नागराजा का। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ पर सकुशल उन्होंने पहुँचाया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सितारगंज के मुख्य चौक पर पुतला फूंका गया है। आपकी बता दें कि प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री गणेश जोशी द्वारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी, और साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत को हादसा बताते हुए पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ गलत बयान देने के विरोध में सितारगंज के मुख्य चौक पर नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का कड़ा रोष प्रकट करते हुए नजर आए हैं, और साथ ही एक स्वर में मुख्यमंत्री से गणेश जोशी को मंत्री पद से बर्खास्त करने और गणेश जोशी को मंत्री पद से साथ ही बता दें कि बर्खास्त करने के साथ ही माफी मांगने की मांग करते नजर आए हैं।
जो भाजपा के मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने जो राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी के बारे में उनकी शहादत के ऊपर उसको एक दुर्घटना बताया, जिसके ऊपर कांग्रेसियों में भारी रोष था, और इसी रोष को आज हमने सितारगंज के मुख्य चौराहे पे पढ़ा जी। जो हमारे जो अब शब्द हमारे सोने अपने राजीव गांधी जी के लिए, इंदिरा गांधी जी के लिए जो बोले गए हैं, उसको कड़ी निंदा करते हुए हम सब लोगों ने मेन चौराहे पे एकत्र होकर उनका पुतला दहन किया, और हमने अपने अपने यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि उनको उनके पद से बर्खास्त करा जाए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले युवक ऑटो से ही बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे, वहीं परिवहन विभाग पौड़ी की टीम ने उन्हें शहर में रोककर ऑटो को सीज कर दिया है। बता दें कि संभागीय परिवहन अधिकारी अनिता चंद ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पंजीकृत ऑटो जो कि सिद्ध बलि मंदिर कोटद्वार के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, और इस दौरान सिद्ध बलि से पौड़ी पहुंचे उनकी टीम के द्वारा जब शहर में चेकिंग की जा रही है तो ऑटो को रोककर पूछताछ की गई, तो युवक ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं और कोटद्वार में सिद्ध बलि मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे, और वहां से बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए थे, और बताया जा रहा है कि इस बात की जानकारी नहीं थी कि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद है। अनिता चंद ने बताया कि यह ऑटो पहाड़ी क्षेत्रों में चलने के लिए अधिकृत नहीं है, जिस तरह से वे पौड़ी पहुंचे हैं तो नियम अनुसार उनके खिलाफ चालान के कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये ऑटो जो हमें छत्रीधार पौड़ी में रात्रि चेकिंग के दौरान पर मिला था, ये ऑटो पूछताछ करने पर पता चला कि ये आपका सिद्ध बलि से बद्रीनाथ की ओर जा रहा था, क्योंकि पर्वतीय मार्गों में ऑटो चलाना सुरक्षित नहीं है और अधिकृत भी नहीं है, इसलिए हमने इसको सीज कर दिया था। बिजनौर आरटीओ में पंजीकृत है और ये सिद्ध बलि में मंदिर दर्शन के लिए आए थे, फिर उसके बाद ये बद्रीनाथ की ओर चल पड़े, तो रास्ते में हमें पौड़ी में छत्रीधार में मिले थे। तो क्या सीज कर दिया गया? सीज कर दिया गया, प्रवर्तन कार्रवाई की गई, सीज कर दिया गया। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल विकास प्राधिकरण विभाग की टीम ने 4 अवैध कॉलोनियों पर सील की गई है, वहीं विभाग की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि आसफ नगर, माधोपुर और साथ ही पीरपुरा में अवैध कॉलोनियों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। बता दें कि रमतपुर रोड पर अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने से HRDA टीम के साथ कॉलोनी स्वामी की तीखी नोकझोंक भी हुई है। विभागीय टीम HRDA के सहायक अभियंता ने कहा है कि अब ध्वस्तीकरण के कार्रवाई होगी। संगठन का पूरे प्रदेश में जो प्रत्येक ब्लॉक में तालाबंदी का जो कार्यक्रम था, ये हमारा आज सांकेतिक तालाबंदी का था कि सरकार को जो हमारी बहुत लंबे समय से प्रधान संगठन की जो विभिन्न मांगे हैं, चाहे वो मनरेगा के संबंधित हो, चाहे वित्त के संबंध में हो, जिसमें भी मतलब कार्य जिस प्रकार से विकास के कार्य होने चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पाए जा रहे हैं, जिस कारण कि सारे प्रधान लोग आक्रोश में हैं, और आज हमारे सांकेतिक तालाबंदी का अगर आगे भी इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही तो आगे पूरा प्रधान संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा, उग्र आंदोलन के लिए पूरा प्रधान संगठन बाध्य होगा। ग्राम प्रधान संगठन के पूर्व चेतावनी के बाद आज जिले भर में सभी विभाग विकास खंड मुख्यालय पर एक दिवसीय पूर्ण तालाबंदी की गई है। ग्राम प्रधान प्रदेश संगठन के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में ग्राम प्रधानों ने अपनी कई मांगों को लेकर निराकरण के लिए पूर्व सूचना के बीच आज सभी ब्लॉक कार्यालय में सांकेतिक एक दिवसीय पूर्ण तालाबंदी की है। प्रधानों का कहना है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में तमाम अड़चने आ रही है और मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, केंद्र एक राज्य वृत्त में लगातार बनी हुई है। समस्याओं का पूर्व में ही समय समय पर आंदोलन, प्रदर्शनों और साथ ही संगठन द्वारा सरकार के निराकरण करने की गुहार लगाई गई थी, परंतु उनकी समस्याओं का हमेशा नजरअंदाज किया गया है, जिससे ग्राम पंचायतों का विकास अवरुद्ध होकर रह गया है। मैं 11:45 के आसपास कॉलेज में आया। कॉलेज में आने के बाद मैं थोड़ा अंदर छात्रों के बीच में रहा और बातें वातें हुई। उसके बाद जब मैं थोड़ी देर बाद ही मैं जब अकेला था, मेरे साथ में ये शिवम कुमार जी थे, ये सिद्धारगंज की तरफ को आए मेरी गाड़ी लेने के लिए। उसके बाद जैसे ही मैं कॉलेज के बाहर गेट पे आया, कुछ अज्ञात लोगों ने, मैं आके छात्रों से वार्तालाप कर रहा था,
जो छात्र बस का इंतजार या ऑटो का इंतजार कर रहे थे, मैं उनके साथ वार्तालाप कर रहा था। एक अज्ञात वाहन आई बुलेरो, थोड़ा सा आगे खड़ी होती है, फिर उसके बाद दो बंदे आते हैं, दो लड़के आए पहले उससे हाथ मिलाया, कंधे पर रखा, उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे पीछे धक्का मारा, पीछे से अंदर की तरफ धक्का मारा। मैं पीछे घूम के देखा तो उसने वहाँ बोला तमंचा निकाल, वो तमंचा पीछे से लड़का लेके आया, इतनी देर में उसने ताना, उसने मेरा हाथ उठ खींचा, ये मेरे हाथ में नाखून के निशान लगे, मैं उसका हाथ झटका के मैं उधर कैमरे की तरफ, मेरे हमारे कॉलेज के जस्ट सामने बजाज की एजेंसी है, हमारे ग्राम प्रधान कुलदीप जी चले के आए और चिल्लाए बोले अगली बार जान देखेगा तो जान से मार देंगे। और बता दें कि इस ब्लॉक मुख्यालय पर एक दिवसीय तालाबंदी की गई है और धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ग्राम प्रधान संगठन के पूर्व चेतावनी के बाद से जिले भर में बता दें कि ये एक दिवसीय तालाबंदी की गई है और साथ ही ग्राम प्रधान प्रदेश संगठन के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ग्राम प्रधानों ने अपनी कई मांगें रखी है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग को पूरी नहीं की जाएगी तो वो और भी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही बता दें कि ब्लॉक कार्यालय में यह सांकेतिक एक दिवसीय पूर्ण तालाबंदी की गई है और प्रधानों का कहना है कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में तमाम अड़चने आ रही है और मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र एक राज्य वित्त में लगातार बनी हुई समस्या को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है और कहा है कि अगर इस समस्याओं को हल नहीं किया गया तो हम विवश होकर और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देश के चर्चित होटल रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता, और बता दें कि आरोपी पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य संदिग्ध परिस्थिति में गंगा भोगपुर स्थित अपने रिसोर्ट और कैंडी फैक्ट्री पहुंचे। एक महिला सहित तीन लोगों के साथ विनोद आर्य ने घंटों तक फैक्ट्री और रिसोर्ट में छानबीन की गई। मीडिया मौके पर मौजूद थी और साथ ही बता दें कि विनोद आर्य मुंह पर रुमाल लपेटकर मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। साथ ही बता दी कि कार में बैठकर वे बेरंग लौट गए और यह घटना फैक्ट्री पर तैनात पुलिस की मौजूदगी में हुई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की गंगा भोगपुर स्थित कैंडी फैक्ट्री और साथ ही विनंतरा रिसोर्ट घटना के बाद से पुलिस की सुरक्षा में है और 24 घंटे पुलिस और बता दें कि रिसोर्ट और फैक्ट्री के निगरानी में नजर आ रही है। अंकिता हत्याकांड का केस भी कोर्ट में विचाराधीन है और इस बीच पुलकित आर्य के पिता पूर्व बीजेपी नेता और साथ ही कुकर्म के आरोपी विनोद आर्य अचानक अपनी फैक्ट्री और रिसोर्ट पहुंचे थे। नशा तस्कर नकली दवाओं के सौदागर कांग्रेसी नेत्री सहित 9 आरोपियों को 9,60,65,000 की संपत्ति जब्त होगी। वही सीएम धामी के निवेश पर कार्रवाई शुरू की गई है। कप्तान अजय सिंह के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में शिकंजा कसा है। हरिद्वार पुलिस बता दें कि हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस ने जिले के पेशेवर आरोपियों की रीढ़ तोड़ने के लिए उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस ने नशे के बड़े सौदागर, नकली दवाओं के सरगना और साथ ही धोखाधड़ी के मास्टर बहन भाई सहित 9 आरोपियों और साथ ही उनकी संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। अपराधियों के बैंक बैलेंस तक पूरी तरह जानकारी जुटाई जा रही है। गैंगस्टर एक्ट में इनकी लगभग 9,60,65,000 रुपए की संपत्ति जब्त करने की बात सामने आई है और इस रिपोर्ट को लेकर जिला अधिकारी को भेज दी गई है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश के बाद से जनपद हरिद्वार में नशे के विरुद्ध पुलिस सख्ती के साथ ही अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण और नशे के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान को साकार करने के लिए पुलिस प्रशासन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने में जुट रही है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और आसपास में हो रही आपराधिक घटनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए मंगलौर कोतवाली निरीक्षक मनोज मेनवाल ने केवल कन्या
पाठशाला मंगलोर में पहुंचकर छात्राओं और आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूक किया है। सोशल क्राइम के बचने के लिए छात्राओं को जागरूक किया गया है। कोतवाल मनोज मेंढवाल ने बताया है कि छात्राओं को जागरूक करने के लिए कॉलेज और स्कूलों में जाकर उनकी आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूक किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित गौरा ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई, साथ ही उन्हें ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील भी की गई। सड़क दुर्घटना के समय घायल हुए के मदद करने भी काफी जरूरी है, इसको लेकर भी उन्हें जागरूक करते हुए नजर आई हैं। मैं यहाँ स्कूल प्रबंधन और कपूर साहब जी के निवेदन पे स्कूल में आए थे। यहाँ बच्चियों की काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी। यहाँ जो बेटियाँ हैं इनको जो नारी सुरक्षा और गोरा शक्ति है नशे के बारे में और एक गुड सेमेट्रियन स्कीम है जो ट्रैफिक से संबंधित है उसके बारे में इनको अवगत कराएगा और सामान्य विषयों पे भी इनसे बातचीत की गई। और इसमें साइबर के जो होने वाले अपराध हैं उनकी संभावना और उनकी जागरूकता के बारे में भी इनसे बात की गई। जिले भर में सभी विकासखंड मुख्यालय में एक दिवसीय पूर्ण तालाबंदी की गई है। ग्राम प्रधान प्रदेश संगठन के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में ग्राम प्रधानों ने अपनी कई मांगों को निराकरण करने के लिए पूर्व सूचना के बाद आज सभी ब्लॉक कार्यालय में सांकेतिक एक दिवसीय पूर्ण तालाबंदी की है। प्रधान का कहना है कि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में तमाम अड़चने आ रही है और मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र और राज्य वित्त में लगातार बनी हुई है। इन समस्याओं को लेकर पूर्ण में समय पर ही प्रदर्शन और संगठन द्वारा सरकार से निराकरण करने की गुहार लगाई गई है, परंतु उनकी समस्याओं को हमेशा नजरअंदाज किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायतों के विकास अवरुद्ध हो रहा है। गठन का पूरे प्रदेश में जो प्रत्येक ब्लॉक में तालाबंदी का जो कार्यक्रम था ये हमारा आज सांकेतिक तालाबंदी का था कि सरकार को जो हमारी बहुत लंबे समय से प्रधान संगठन की जो विभिन्न मांगे हैं चाहे वो मनरेगा के संबंधित हो चाहे वित्त के संबंध में हो जिसमें भी हो मतलब कार्य जिस प्रकार से विकास के कार्य होने चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पाए जा रहे हैं जिस कारण कि सारे प्रधान लोग आक्रोश में हैं। और आज हमारे सांकेतिक तालाबंदी का अगर आगे भी इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही तो आगे पूरा प्रधान संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा, उग्र आंदोलन के लिए पूरा प्रधान संगठन बाध्य होगा। चलिए अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।